गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ सर मनीष, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी इन दिनों COVID-19 सिचुएशन की वजह से विद्यालय परिवार ने आप सभी के लिए आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू YouTube पर अपने स्कूल के ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स स्कूल अपलोड कर रहा है। उसी सीक्वेंस में मैं आज उपस्थित हूं आप सभी के सामने इंग्लिश के एक वीडियो लेक्चर के साथ। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर जो पोएम थी आपकी द रोड नॉट टेकन, उसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर लिया है और आप लोगों ने उसको देखा भी है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आप लोगों की जो बुक है मोमेंट्स क्लास नाइन्थ के लिए, जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उसका चैप्टर फर्स्ट लेकर के द लॉस्ट चाइल्ड, यानी एक ऐसा बच्चा जो खो जाता है। और इसके जो आपके इस चैप्टर के रचनाकार हैं, राइटर हैं, वो बहुत ही अच्छी पोएम और स्टोरीज अपने रिटर्न करते हैं और उनका नाम है मुल्कराज आनंद। तो उनकी ये लिखी हुई कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड। और इसमें कुछ इस प्रकार से इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बच्चा होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माँ और पिता के साथ में वो एक मेले के अंदर जाता है। और वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मेले के अंदर जाते हैं, आप सभी को पता होगा, आप खुद स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड के, तो आप समझ सकते हैं कि मेले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो बच्चा भी जो है वो आपसे भी काफ़ी छोटी एज का है, तो वो बच्चा भी जो है वो वहाँ पर मेले के अंदर जो भी चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो बच्चा उन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के समहाउ अपने पेरेंट्स की अंगुली जो है वो छोड़ देता है और वो मेले की उस भीड़ के अंदर खो जाता है। लेकिन जिस समय तक वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो वो अपने पेरेंट्स से बार बार हर चीज़ के लिए जिद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये मिठाई चाहिए। लेकिन जब वो बच्चा उनसे अलग हो जाता है और वो रो रहा होता है तो कोई उसको कहता है कि भाई ये ले मिठाई, ये ले खिलौना, तो वो बच्चा उनसे नहीं लेता। यहाँ पर मुल्कराज आनंद आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, जब दूसरे लोग उसे वो चीज़ ऑफर कर रहे थे जो कुछ समय पहले वही चीज़ वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मांग रहा था, अब जब उसको वो ऑफर दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो नहीं ले रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, एक अपनापन, एक आत्मीयता जो अपने पेरेंट्स के प्रति उस बच्चे की थी, अब वो जानता है बहुत अच्छी रीति से कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनसे मैं दूर हो चुका हूँ, मैं खो गया हूँ, अब मुझे वो वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि माँ और पिता, उनका एक बच्चे के जीवन में बहुत ही अहम रोल होता है। तो आइए हम चैप्टर के थ्रू चलते हैं, कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। और इस चैप्टर के जो भी टफ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स होंगे, उनको मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और उसको अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो नोट भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं चैप्टर को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग मौसम के जो है समय लगा हुआ एक मेला है। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। और आपको पता है मेले के अंदर लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से भरे हुए, और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी। तो वहाँ का भी जो है कुछ इसी प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा होता है। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे। अदर सेट बींग कैरिड इन बाम्बूज एंड बल्क कार्ट, कुछ लोग जो बांस की बनी हुई कुर्सी पर बैठे हुए और कुछ लोग अपनी बैलगाड़ियों के अंदर सवार होकर के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, और उन्हीं के बीच में एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का अपने पिताजी की टांगों के बीच में जो है वो दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, खुशियों से अपने जीवन में बहुत खुशी और हंसते हुए वो भर करके इधर उधर दौड़ रहा है। आगे देखिएगा। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड
फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। अब यहाँ पर वो बच्चा बार बार पीछे रह रहा है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि वो जो दुकानें उस रास्ते के अंदर है उनके ऊपर रखे हुए जो भी चीज़ें हैं, वो बार बार खिलौने हैं, वो बार बार उसको क्या कर रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। इस वजह से वो जो है बार बार पीछे छूट रहा है अपने पेरेंट्स से। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। जहाँ उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, उस समय वो उनके आदेश को सुन करके, उनके ऑर्डर को सुन करके उसके पाँव तुरंत उनकी डायरेक्शन के अंदर दौड़ना शुरू करते हैं। हिज आईज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रेसिडिंग टॉयज, और उसकी आँखें अभी भी उन खिलौनों को जो रस्ते में हैं, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे खिलौने छूट रहे हैं, उसकी आँखें अभी भी जो है वो उन्हीं खिलौनों के ऊपर अटकी हुई हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड वेट फॉर हिम, जब वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। छोटा बच्चा है, अपने मन की जो डिज़ायर है, सोच है, उसको अंदर दबा नहीं पा रहा है। इवन दाउ ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, और उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ कहूँगा तो मेरे पेरेंट्स हर बार की तरह मुझे एक मना ही कर देंगे कि नहीं, अभी नहीं, बाद में लेंगे। बच्चे ने ये सब जानते हुए भी अपनी इच्छा को बाहर प्रकट किया। उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने विनयपूर्वक अपने पेरेंट्स को कहा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसको लाल आँखों से घूरते हुए देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, यानी घूरते हुए एक तानाशाह की तरह उसने अपने लड़के को देखा। बट हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम अ फिंगर टू होल्ड, और जैसा कि माहौल मेले का है, उसकी माँ, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों की हर मतलब जो भी डिमांड्स है, अगर उनकी गलतियाँ हैं, उनके लिए एक ढाल बन करके, एक शील्ड बन करके हमेशा खड़ी रहती है। उसकी माँ का दिल पिघल जाता है क्योंकि चारों तरफ मेले का माहौल है, बच्चा ऐसी डिमांड कर सकता है। तो उसकी माँ ने अपने पिता का जो स्वभाव था अपने बच्चे के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए उसने उस अपने फिंगर को उस लड़के की तरफ बढ़ाया और कहा, क्या कहा, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कि देखो बेटा आगे तुम्हारे लिए क्या है। इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और ये क्या था, ये एक सरसों से भरा हुआ एक खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और पूरा खेत मीलों तक पीले कलर के, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सोने को पिघला करके मीलों दूरी पर आपने बिखेर दिया हो। पूरे चारों तरफ मीलों दूरी तक पीले कलर के फूल जो है वो महक रहे थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गुडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। एक ड्रैगन फ्लाई का जो ग्रुप है वो बस्टल अबाउट ऑन देयर गुडी पर्पल विंग्स, उसने अपने पंखों से, जो पर्पल कलर के पंख है, उससे एक हलचल मचा रखी थी। उसी के बीच में लड़के का ध्यान उन ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर जाता है। उन्हीं के बीच में एक बटरफ्लाई या लोन ब्लैक बी जो दे रखा है आपको, उसका ध्यान उस बच्चे को खींच लेता है। ये बटरफ्लाई एक्चुअली स्वीटनेस को ढूंढ रही है फ्लावर्स की, और ये बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, अपनी निगाहें, गेज यानी आँखें, उनको अब उन बटरफ्लाई पर टिकाए हुए लड़का उनके पीछे दौड़ना शुरू करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, कहाँ तक पीछा करता है, जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को समेट कर किसी एक जगह पर बैठ नहीं जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने प्रयास किया कि मैं इसको पकड़ लूँ, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन बटरफ्लाई तो अपनी नियति से जानी जाती है, उसने तुरंत अपने पंखों को फैलाया, फ्लैप किया और हवा के अंदर वापस से उड़ गई। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और ये बिल्कुल
क्षणिक भर में हुआ, सेकंड्स में हुआ, बिल्कुल उस बच्चे को लग रहा था कि मैं इसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही बटरफ्लाई जो है वो उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने चेतावनी भरी आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ, कि बेटा आओ इधर आओ, इस फुटपाथ के ऊपर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, उसने तुरंत सुना और वो दौड़ा अपने पेरेंट्स की उस डायरेक्शन में जिस तरफ वो लोग कुछ देर के लिए बैठने के लिए वेट कर रहे थे। बींग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, बार बार ये हो रहा था, वो उन तक पहुंचता है फिर पीछे रह जाता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर ट्रिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब इस बार बच्चे का ध्यान छोटे कीड़ों ने, जो बिल्कुल इंसेक्ट्स जो हैं फुटपाथ पे, जो अपने छुपने के स्थानों से बाहर निकले हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, इस बार इन बच्चे का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। फिर से एक आवाज आती है, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रू वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे पर बैठ करके अपने कंठ की बड़ी मधुर आवाज के अंदर उन्होंने बच्चे को फिर से आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे इधर आओ। ही रैन टुवर्ड्स देम, और लड़का ये सुन करके उनकी तरफ भागता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जब वो इस बार फूलों से भरे हुए बगीचे के अंदर प्रवेश करता है और उसकी जो स्मेल होती है नए फूलों की, जब वो उसके ऊपर बिखरती है, तब बच्चा फिर से एक बार अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, अपने पेरेंट को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड, और इस बार उसने क्या किया, उनकी पंखुड़ियों को, पीटल्स जो थी फ्लावर्स की, उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू किया। बट लो ही हर्ड द कुइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट शाउटिंग द डव द डव, द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जैसे ही वो पंखुड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था उसी समय उसको डव्स की कुइंग की आवाज़ आती है, कुंजन की आवाज़ आती है, और ये उनकी तरफ दौड़ता है, अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए, देखो डव देखो डव। द रेनिंग पीटल्स, और जो उसके हाथ में पंखुड़ियाँ इकट्ठी की हुई थी वो एक बार फिर उसके हाथ से नीचे गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स अराउंड द बेनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर ऑफ द मस्टर्ड फील्ड। इस बार फिर से एक बार आवाज आती है, कम चाइल्ड कम, उन्होंने अपने उस लड़के को आवाज लगाई, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बेनियन ट्री, और ये बरगद के पेड़ की तरफ से थोड़ा सा दूर ये लड़का दौड़ता हुआ उनको दिखाई दे रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, क्योंकि ये चाह रहे थे कि ये उस फुटपाथ पर आ जाए जो फुटपाथ मस्टर्ड फील्ड के पास से होता हुआ उनको मेले की तरफ लेकर के जाता है। तो आज हमने अभी तक में जो देखा है वो हमने इसका एक पेज देखने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके टफ वर्ड्स जो हैं मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, आप उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।